फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 13 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन से मैसेज सेंड नहीं हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का मैसेज का जो ऐप है ना, ये वाला, ये मैसेज का ऐप आपको उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। तो आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको नीचे ऐप इन्फो लिखा है ना, ऐप इन्फो पे टैप करना है, तो आपका पेज आएगा। इसमें आपको नीचे स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पर आपको ये क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपके कैच के सामने डेटा ये आपका तुरंत जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी आपको लिखना है, नीचे सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको जो है ना, इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए, आखिरी काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज आप ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पे दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।